नमस्कार, मैं जितेंद्र जैन और आप देख रहे हैं खबर समय जगत। आई नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा तरीन खबरों पर। उज्जैन, आपने खाद्य पदार्थों में मिलावट के बारे में तो सुना होगा, लेकिन उज्जैन में शराब प्रेमी ने ठेकेदार पर शराब में मिलावट का आरोप लगाया है। उज्जैन में बहादुरगंज आर्य समाज मार्ग पर रहने वाले लोकेंद्र सोठिया शराब के आदी हैं। उन्होंने 12 अप्रैल को क्षीरसागर क्षेत्र की शराब दुकान से 4 क्वार्टर देसी शराब खरीदी तो 2 क्वार्टर पीने के बाद पता चला कि बोतल की शराब में पानी मिला था। वे पिछले 20 साल से शराब पी रहे हैं। उन्होंने बताया कि पूरी बोतल पीने के बाद भी जब शराब चढ़ी नहीं तो पता लग गया था कि इसमें मिलावट है। इसके बाद उन्होंने शिकायत का मन बना लिया। उन्होंने बताया कि 12 अप्रैल को दोस्त के साथ मिलकर 2 बोतल तो पी ली थी, लेकिन जब शक हुआ कि मिलावट है तो तत्काल 2 बची बोतल को पैक ही रहने दिया ताकि उसे सबूत के तौर पर पेश किया जा सके। लोकेंद्र ने उज्जैन एसपी, गृह मंत्री और आबकारी विभाग में शराब ठेकेदार प्रीति जायसवाल के खिलाफ कार्रवाई के लिए आवेदन दिया है। इसमें लिखा है कि ठेकेदार पर कार्रवाई की जाए ताकि कोई दूसरा धोखाधड़ी का शिकार ना हो। लोकेंद्र ने कहा कि सभी जगह शिकायत की लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। 2 बोतल पैक रखी, इसकी जांच करवा कर आगे की कार्रवाई करवाऊंगा। इसकी लैब में जांच भी करवाना है ताकि उपभोक्ता फोरम में केस दायर कर सकूं। आपको बता दें कि उज्जैन शहर की शराब दुकानों पर नियम को ताक पर रखकर उनका संचालन किया जा रहा है। उपभोक्ता को ना ही बिल दिए जा रहे हैं और ना ही तय समय पर दुकान खोली और बंद की जा रही है। इसके बावजूद शराब ठेकेदारों पर आबकारी विभाग की मेहरबानी गौर करने लायक है। हाँ, सिल पे के ना, मैं आपका इंटरव्यू लेता हूँ। तो मुझे लोकेंद्र जी, क्या हुआ था आपके साथ, तो पूरा घटनाक्रम बताइए। एक्चुअल जो अपनी क्षीरसागर पे वाइन शॉप है, वहाँ पे देसी और इंग्लिश एक साथ हो गई है। वहाँ से मैंने 4 क्वार्टर 7 अप्रैल को लिए थे। इसमें से 2 क्वार्टर हमने खोल के मैंने और मेरे फ्रेंड ने लिए थे निर्मल चोरे से ड्रिंक की। थोड़ी देर बाद हमें ऐसा लगा के दारू में कुछ असर नहीं आया, हो सकता है कि दारू में, जब मैंने सूंघ के देखा तो उसमें कोई स्मेल नहीं आ रही थी। 2 क्वार्टर मेरे पास सेफ बचे रह गए, फिर मैंने सोचा मैंने इसमें हो सकता है पानी मिला हुआ हो, कोई मिलावट हो, इस कारण मैंने 2 क्वार्टर अपने सील पैक सेफ रखे हैं जो मेरे पास सील पैक हैं। और मैंने इसके खिलाफ फिर नोटिस भी दिया, बाकायदा नोटिस मैंने आबकारी विभाग में भी दिया है, डायरेक्ट ठेकेदार को भी दिया उनके नाम से, होम मिनिस्ट्री में भी दिया है। अभी तक मुझे कोई प्रत्युत्तर मिला नहीं है उसका। तो मैं अब इसके बाद अगली कार्रवाई मेरी यही है, यदि मेरी कोई सुनवाई नहीं होती है तो मैं फोरम में इसको केस लगाऊंगा। ये पानी की आपको कैसे पता पड़ा कि इसमें पानी है? मुझे कम से कम 20 साल तो ड्रिंक करते होगा जी, तो शोर है कि मुझे इतना तो आइडिया होना चाहिए। और फिर स्टार्टिंग में भी मैं पी रहा हूँ सुबह पहला पैक, तो मुझे स्टार्ट में तो मालूम रहेगा ना। और सीएम हेल्पलाइन में भी आप शिकायत कर रहे हैं? नहीं, वहाँ पर मैंने अभी नहीं की। अच्छा, मैं लिखित तौर पर शिकायत कर रहा हूँ, मेरे पास जब सबूत है तो मुझे कोई दिक्कत ही नहीं। लैब में जाँच होगी, फोरम में जाएगा तो बाकायदा लैब से मालूम पड़ेगा इसमें कितना पानी है या पानी नहीं है। क्या चाहते हैं आप कार्रवाई में, क्या चाहते हैं? मैं तो कार्रवाई में ये चाहता हूँ कि मेरे साथ जो हुआ वो किसी और कस्टमर के साथ ना हो, क्योंकि मैं तो चलो ठीक है, मैं तो कमाता हूँ, इतना तो कमा ही लेता हूँ कि घर भी चला सकता हूँ, ड्रिंक भी कर सकता हूँ, लेकिन कुछ लोग तो ऐसे हैं जो कमाते हैं इसके लिए, उनके साथ क्या होगा। सर, एक जो शराब पीने वाले युवक ने शिकायत की है कि क्षीरसागर कलाली से उसने जो है एक बॉटल ली थी, उसमें 4 क्वार्टर थे, इसमें शराब जो है मिलावटी होने की बात कही है, गृह मंत्री तक शिकायत गई है, क्या है पूरा मामला? भाई, हमारे सामने जो क्वार्टर जो खरीदा गया है वो क्वार्टर हमारे सामने दिखाना चाहिए, उसके अनुसार हम जाँच करते हैं। अभी तक आपके पास कोई शिकायत आई है? अभी तक तो कोई शिकायत नहीं आई। आपके पास अगर शिकायत आती है तो किस तरह की कार्रवाई आपके विभाग द्वारा की जाएगी? भाई, शिकायत आने पर हम कार्रवाई करेंगे। क्या दुकान सील भी की जाती है? इस तरह से अगर मिलावट हो रही है, अगर शराब अगर दुकानदार बेच रहा है तो? भाई, नियम के विरुद्ध जो होती है तो उसकी जाँच की जाती है। सर, वो आरोप उसने जो शराबी ने जो है आरोप लगाया है कि उसने बिल भी मांगा था, लेकिन सरकार के नियम के विरुद्ध जाकर दुकानदार ने बिल भी नहीं दिया है, उसको लेकर क्या कार्रवाई करेंगे आप? बिल अभी उनके पास सत्यापित नहीं हुई होगी, जो ठेकेदार के पास उपलब्ध नहीं हो सकता है अभी, उसके लिए वो दिया जाएगा, बिल दिया जाएगा। लेकिन क्या नियम में है कि बिल देना तो अनिवार्य है कि नहीं? बिल देना तो है अनिवार्य। आपका पूरा नाम बता दीजिए। MS भगत। उज्जैन से खबर समय जगत के लिए मयंक गुर्जर की रिपोर्ट। लेटेस्ट न्यूज सब्सक्राइब टू अवर चैनल and press the bell icon.